गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लोज टू क्लास सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, लास्ट क्वेश्चन है आपका 4.3 एक्सरसाइज है। तो अब आप देखिए, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन मैनी का पॉइंट x1 y2 इज गिवन बाय x1 y1 x2 y2 1 = 0। देखिए, एक कोई भी अगर आपके पास लाइन है, जब हम उसको ड्राइंग करते हैं तो वो अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है तो क्या है, आपकी कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो लेट बी पॉइंट ए एक्स वाई, बी आपका गिवन था x1 y1 एंड C, x2 और y। अब अपने को पता है, we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 क्या है x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1, ये बात जान है। अगर वो कोलिनियर है एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो किसके इक्वल जाता है आपका, 0 के इक्वल, 1/2। अब देखिए x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये आपका y2। तो इसी जगह से पहले पुट करेंगे हम, क्या हो जाएगा आपका x x1 x2 y y1 y2 1 1 1, 1/2 को इस साइड में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा आपके पास x x1 x2 y y1 y2 1 1 1, hence true। ये चीज आपने क्या करनी थी, इसमें प्रूव करनी थी, ये चीज आप कैंसिल कर, यानी अपोजिट लेके चले हुए एक लाइन के अंदर है, तो ये चीज अपने को क्या करनी है, इस गिवन बाय अगर ये चीज है तो हम इस कैंसिल को प्रूव करते हुए एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर ही कोलिनियर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई भी समस्या आती है तो आप बता सकते हैं। ये कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट टाइम इसका टेस्ट लिया जाएगा।